छतरपुर में पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर राम लखन पटेल पर मेडिकल लाइसेंस देने के नाम पर वसूली करने के आरोप पर उसकी शिकायत जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर से की गई। पीड़ित अरविंद उपाध्याय ने कलेक्टर को जनसुनवाई के दौरान शिकायत की कि उसने 1 साल पहले मेडिकल दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और इस आवेदन में सभी दस्तावेज उसने जमा किए थे, लेकिन अभी तक ड्रग इंस्पेक्टर ने उसे लाइसेंस नहीं दिया है। जब उसने ड्रग इंस्पेक्टर लखन पटेल से बात की तो उसने लाइसेंस देने के नाम पर 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। पीड़ित आज हमने लगभग 7 माह पहले 15 जुलाई 2022 को मेडिकल स्टोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से आवेदन किया था। ऑनलाइन भी किया, 2 बार अपने ड्रग इंस्पेक्टर को भी ऑफलाइन दे चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट सब सही थे, सिर्फ जब उनने पैसे की हमसे मांग की, वो स्पष्ट बोल रहे थे कि आप हमें 40 से 45 हज़ार दो, 2 दिन में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम लाइसेंस अथॉरिटी हैं, अपने विभाग के हेड हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और पैसा आपको लगेगा, लाख उपाय आप कर लो, किसी के भी फ़ोन करा लो, किसी से भी आप मिलवा दो, बिना पैसे के आपका नहीं होने वाला। क्या जो देवी दीनदयाल जी की जो एप्लीकेशन है उसमें जो है, हमने ऑनलाइन चेक किया, सीएमएचओ साहब ने चेक किया, कलेक्टर साहब ने चेक किया, सीएस साहब ने चेक किया, सब ने चेक किया। इनका जो आवेदन है 15 अगस्त को रिटर्न कर दिया गया था। 15 अगस्त से इनने आज तक फाइल जो है रिटर्न हमारे विभाग के लिए जमा नहीं की। जब तक ये फाइल जमा नहीं रिटर्न करेंगे उसको हम कैसे फाइल करेंगे? जिस दिन ये कर सुनो सुनो जिस दिन ये कर देंगे उस दिन इनकी फाइल कर दी जाएगी। ऐसा कोई भी, मेरा सभी को ये क्लियरली एक ये है कि कहीं पे भी कोई ऐसा पर्टिकुलर डिमांड्स ऐसा कोई हो तो उसको शासन के संज्ञान में लाए ऐसे, और बिल्कुल कोई ऐसा डिमांड्स में ये नहीं करे और नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करे और उसमें कार्रवाई होगी और ऐसे चेक किया जाएगा।